हेलो डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और डाइहाट्सु मीरा का आज का दूसरा व्यू हमारा, सबसे पहले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और आपने हमारे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें। होंडा वाला मोटर्स पर याद रखिएगा, हम होंडा कार्स को स्पेशली डील करते हैं और आई लव होंडा कार्स पर्सनली, लेकिन आज मेरे पास एक डाइहाट्सु मीरा आ चुकी है जो कि मैं ओबियसली सेल पे है और ये 2010 का मॉडल है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया 2014 का मॉडल है और 18 की इम्पोर्ट है, ये गाड़ी फ्रेश इम्पोर्ट है। और अभी हम इसके उस पर ड्राइव पे चलते हैं कि ये हमें कैसा रिस्पांस देती है, इसका थ्रॉटल रिस्पांस कैसा है इस गाड़ी का और पिक कैसी है, जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले तो ये कि आप ये देखें कि इस गाड़ी के अंदर जो है यहाँ पर अभी कंसोल लगाने की जगह अवेलेबल है। मैं पर्सनली आर्मरेस्ट लगाने का मुझे बहुत शौक है क्योंकि उसके बगैर मुझसे तो गाड़ी चलती नहीं है। और सेकेंडली ये कि मेरे भाई इसके अंदर आप देखें कि इसमें इन्होंने यहाँ पे इस जगह को फ्री करके यहाँ पे गियर पैनल नहीं लगाया इस जगह पर, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कप होल्डर्स की बड़ी स्पेस बन गई है, मतलब 650 में आपको और क्या चाहिए इसके अलावा। और गियर पैनल यहाँ पर मौजूद है, एयर कंडीशनिंग है, बैक स्क्रीन का डिफॉगर लगा हुआ है, एयर कंडीशनिंग के कंट्रोल्स हैं और ये एक एयरबैग यहाँ पर है जी और एक एयरबैग यहाँ पर है, डुअल एयरबैग के साथ ये गाड़ी आ रही है। तो हम चलते हैं जी इसकी ड्राइव पर और ये रिवर्स न्यूट्रल और ये गई गाड़ी डी पे, राइट का इंडिकेटर देते हुए पीछे देखूंगा मैं और गाड़ी निकालेंगे जनाब। ये देखें आज क्या डेट है जी, आज ये अप्रैल 2019 है जी, आज मेरे ख्याल 9 तारीख हो चुकी है और अभी गर्मी अच्छी खासी शुरू हो गई है, एसी चल रहा है ठीक है। और ये देखें गाड़ी को मैं लेके जा रहा हूँ स्ट्रेट, तो ये आप देखिए मतलब कि मतलब गाड़ी की पिक में मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है ठीक है, जैसे कि लगे कि जी एसी की वजह से कम होगी, जैसे हमारी मेहरान में होता है, ये कल्टस में हो जाता है। और जी ये सामने स्ट्रेट एक हमारे आ रहा है, आप ये देखें मैं रेस दे रहा हूँ गाड़ी को, इसकी स्पीड कितने आराम से, मतलब मैंने बहुत लाइट से एक्सीलेटर दिया हुआ है, कितने आराम से आपके सामने सारे स्क्रीन 52-55 है, बड़े आराम से चल रही गाड़ी। अच्छा मैं इसका इको आइडल जो है वो अब मैंने इसको ऑफ़ कर दिया, लेकिन ये मैं इसको ऑन कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। अभी हम दूसरी गली में टर्न ले लेते हैं, ये देखें पावर स्टेयरिंग है इसका, इतना लाइट स्टेयरिंग है इस गाड़ी का, इतना लाइट जो है जैपनीज़ का ही होता है, मेरी होंडा सिटी का भी इतना लाइट नहीं है। और बहुत अच्छी गाड़ी है जी, इसके बारे में क्या बात करें, 64,000 चली हुई है ये इस वक्त और ये मेरा ख्याल है शायद हमें 27 किलोमीटर पर लीटर माइलेज दे रही है, ये वही लिखा हुआ है इसका इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले पैनल पर। और नहीं ये फ़िलहाल 7.7 शो कर रही है इस वक्त क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्ट, शायद ये बहुत पुराना है, इसको हम ज़ीरो करेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर एवरेज देगी गाड़ी, बताएगी हमारी कितनी है। इको आइडल ऑन है मेरा, लेकिन क्योंकि जब एसी चलता है इन गाड़ियों का तो इको आइडल उस वक्त काम नहीं करता, तो वैसे पर्सनली मुझे इको आइडल का फीचर जो है ना कि बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बार बार स्टार्ट और गाड़ी को बंद करना, लेकिन ओके फ्यूल इकोनॉमी है तो ओके लेट्स टेक दैट। और क्या है जी इस गाड़ी में, बेस मॉडल है जी, बहुत ज़्यादा बातें नहीं। इस गाड़ी के साइड मिरर्स जो हैं वो बिल्कुल भी ऑटोमेटिक नहीं है, वो हाथ से मोड़ने वाले हैं, जो कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक अच्छी चीज़ है। रीज़न उसकी ये है मेरे भाई के मेरे पास एक स्पोर्ट्स कार भी है और उसके जो मिरर्स हैं उसको हर आदमी जो है वो आते जाते मोड़ जाते हैं, ख़राब कर देता है, गाड़ी सर्विस करवाते करवाते ख़राब हो जाता है। तो अभी ये देखें मैंने इसका ले लिया, राइट साइड पे टर्न ले लिया दोबारा से, और मतलब आप ये असल चीज़ जो इसकी ड्राइव में देखने वाली है वो इसका है, कंट्रोल है इसका गाड़ी का, रोड ग्रिप गाड़ी की बहुत अच्छी है 660 के अतबार से, और एयर कंडीशनिंग बहुत अच्छी है और पिक बहुत अच्छी है, जो मैं जिस चीज़ को लाइक कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग कोई अपना इनपुट देना चाहें 660 के हवाले से तो ज़रूर दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने ठीक है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए 03-11-46-444-70। किसी भी किस्म की अगर आप गाड़ियों की बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं या आपको कोई कार मेंटेनेंस के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 03-11-46-444-70 पर। और ये हमारा टूर यहाँ पे एंड हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।